हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार सिंह, आपका इंग्लिश मेंटर, आपको BHU वर्ल्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में CHS क्लास 9 इंग्लिश का सिलेबस को हम देखेंगे। CHS BHU का एक पार्ट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। CHS में एडमिशन के लिए CHS एक एंट्रेंस हैंडल कराता है। उसमें क्लास 9 के जो पेपर होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं, जो कि आपके मेरिट में काफ़ी प्रभावशाली रहते हैं। हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश सिलेबस में इंग्लिश के जो पेपर आएंगे, 20 क्वेश्चन बनेंगे, वो उसका सिलेबस क्या है सबसे पहले। और एक बात, अगर आप सभी BHU वर्ल्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे CHS के कोर्सेज को लेना चाहते हैं, उसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं सिलेबस। और जो एक सबसे ज़रूरी बात है कि मैं आपका इंग्लिश मेंटर, यहाँ पे लिखे हुए जितने भी सिलेबस हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर अलग लेक्चर वीडियो बना के आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। आज ये वीडियो सिर्फ आपका और मेरी जान पहचान का है, ताकि आप इंग्लिश सिलेबस जान सकें, आप अपने इंग्लिश मेंटर को जान सकें, इस BHU वर्ल्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले आर्टिकल्स, ए एन द, ये होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम पढ़ना है हमें यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। BHU के CHS के जो एंट्रेंस टेस्ट में जो 20 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और आपसे पूछेगा विच आर्टिकल इज सुटेबल फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको हम लेक्चर वीडियो में आर्टिकल्स पूरा पढ़ेंगे। दूसरा है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है इस पूरे CHS के इंग्लिश सिलेबस के लिए। क्लास 9th के इंग्लिश सिलेबस के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है तो मे प्रोबेबली आप इंग्लिश क्लियर कर ले जाओगे। ध्यान देते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच पे। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है नाउन, हमें पढ़ना है प्रोनाउन, हमें पढ़ना है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, हमारे पास BHU वर्ल्ड का लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ, हम सब यहाँ पे सक्सेस के लिए आए हैं। सफलता हर किसी को चाहिए। आप CHS में एंट्रेंस के लिए हैं, सफलता लेना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी मेहनत, आपकी प्लस हमारी मेहनत, आपका हमारे चैनल पे विश्वास, यही सफलता है, यही सफलता है। तो यहाँ से हम ध्यान देते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखने में थोड़ा लेंथी लगेगा, बट मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको इसको अपने लेक्चर वीडियो में दिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, नाउन क्या होता है सब लोग जानते हैं, सब लोग फैमिलियर है इससे। नाउन बहुत बहुत कॉमन एस्पेक्ट है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग, काइंड्स ऑफ नाउन, ये हम पढ़ेंगे नाउन के वीडियो में। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन इज प्रोनाउन, सिंपल। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। आगे क्या है? आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सबसे सिंपल चीज़, एडजेक्टिव वो होता है जो मतलब नाउन और प्रोनाउन की जैसे कोई मीनिंग है उसमें वो उसकी मीनिंग को और बढ़ाए, उसकी विशेषता बताए, उसको और बढ़ाए उसकी मीनिंग को। आगे क्या है? वर्ब। वर्ब जैसे किसी भी कार्य के होने की जो प्रक्रिया है उसको बताता है वर्ब। जैसा कि मैंने आपसे आगे बताया, ऊपर बताया था कि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के पूरक हैं, वैसा मैं यहाँ पे भी कहता हूँ वर्ब और एडवर्ब एक दूसरे के पूरक हैं। जो वर्ब होता है वो किसी भी काम के होने की गति बताता है, वो उसका स्टेट बताता है, और जो एडवर्ब होता है वो उसके मीनिंग को और सिंप्लीफाई करता है, उसको और बढ़ाता है। आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। जैसा कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एक दूसरे के पूरक हैं, वैसा ही प्रीपोजिशन और कंजक्शन भी एक दूसरे का पूरक है। इन प्रीपोजिशन और कंजक्शन में बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक अंतर है, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है, वो मैं आपको उसके लेक्चर वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले बस आप ये जान लीजिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन का बाकी सेंटेंस से
बाकी सेंटेंस जो होता है वर्ड, प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन का बाकी सेंटेंस से रिलेशन बताए। समझ में आ रहा है आपको? जी समझ में आ रहा है आपको। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन का बाकी सेंटेंस से रिलेशन बताए। और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वो होता है जो दो वर्ड्स को, जो एक सेंटेंस में दो दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है। फिर से सुनिएगा, जो दो सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाता है वो होता है कंजक्शन। चलिए तो हम आगे देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंग्लिश सिलेबस में CHS के एंट्रेंस के लिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वही होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंसिबल सेंटेंस और अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज नोन ए सेंटेंस। सिंपल चीज़ है। टाइप ऑफ सेंटेंस बहुत ईजी पॉइंट है, इसको हम अपने लेक्चर वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीन सेंटेंस होते हैं, उसको हम अपने लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। टेंस वेरी वर्सेटाइल बट नॉट डिफिकल्ट। मैं यहाँ हूँ, क्या दिक्कत है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बहुत ईजी है टेंस। मैं आपके हिसाब से जो सिलेबस बनता है टेंस का मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आपको डिस्क्राइब करूंगा, उसका क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। ऐसा नहीं कि टेंस सुनने के आप घबरा जाएं, टेंस बिल्कुल घबराने वाली चीज़ नहीं है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और क्या चाहिए टेंस में, सिंपल चीज़ है। वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बहुत छोटा पॉइंट है बट निग्लिजिबल, करने लायक नहीं है, हम इसको भी पढ़ेंगे वाइज को। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, विलोम शब्द और समान शब्द, जैसे कि बैड का विलोम शब्द गुड, सिनोनिम्स हो गया आपका, जैसे ट्यूटर, ट्यूटर का सिनोनिम्स क्या होता है, शिक्षक, ट्यूटर मतलब शिक्षक, और शिक्षक का विलोम समानार्थी शब्द क्या होता है, टीचर, ट्यूटर का सिनोनिम्स क्या हो गया, टीचर हो गया, गाइड हो गया, कोच हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर में एक लाइन दे दी जाएगी, कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उसमें से चूज करना रहेगा कि इस लाइन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। तो इसको भी हम अपने एक लेक्चर वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे। आइडोम्स एंड फ्रेजेस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट। लोकोक्तियाँ और मुहावरे, हिंदी में आप समझ पाएंगे, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ये पॉइंट ऐसा है इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ये जो तीन टॉपिक है, ये जो 6, 7, 8, ध्यान से सुनिएगा, 6, 7, 8, इन तीनों टॉपिक को बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। डजेंट मैटर कि आप इससे हेजिटेट हों, आप इससे डरें, आप इससे परेशान हों, मैं हूँ यहाँ, मैं सब समझाऊँगा आपको। इसके अलग अलग लेक्चर वीडियोज बनेंगे और उसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा। आगे आता है स्पेलिंग टेस्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग शुरू से देखते हैं, जब से हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तब से स्टार्टिंग में स्पेलिंग मिस्टेक पे हमारे मार्क्स कटते थे, तो यहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को लाया गया स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट क्या है, मतलब जो भी स्पेलिंग है उसको करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना। आपको गलत स्पेलिंग दी रहेगी उसका सही बताना रहेगा, या फिर आपसे सही स्पेलिंग दी रहेगी आपसे पूछा जाएगा ये गलत है या सही है, शायद आप समझ रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या आप अभी तक आपने अलंकार पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा है, हिंदी में अलंकार कहते हैं उसे, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं उसे। जैसे किसी भी कविता को, काव्य को अलंकृत करने के लिए अलंकारों का उपयोग होता है, वैसे ही किसी भी पोयम को, उसको और मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी और ब्यूटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमली, मेटाफर, आयरनी, दैट्स ऑल, ये हम पढ़ेंगे इसमें अपने अलग लेक्चर वीडियो में। ये फिगर ऑफ स्पीच जो पॉइंट है आपका, ये थोड़ा इस पर गौर फरमाइएगा आप लोग कि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच हर साल पूछे गए हैं, हर साल, इवन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आए हैं। लिटरेचर, मोस्ट वेटेबल आस्पेक्ट ऑफ का ये अब है इंग्लिश सिलेबस में, लिटरेचर एक वैसा ही चीज़ है जैसे इंसानी शरीर में रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन इन ह्यूमन बॉडी। लिटरेचर इंग्लिश सिलेबस में बहुत ही मतलब एक छोटा सा एस्पेक्ट है, बट इसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा कराऊंगा इसके एक अलग लेक्चर वीडियोज़ में। लिटरेचर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। लिटरेचर में क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि पूछ देगा हु गेट द नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर,
जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चीज़ के लिए इंग्लिश नोबेल प्राइज़ मिला, या फिर फेमस इंडियन ऑथर्स के बारे में पूछ देगा, फेमस इंडियन ऑटोबायोग्राफर्स के बारे में पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी तैयारी करेंगे अपने लिटरेचर के वीडियो में। आखिरी और सबसे ज़रूरी मिसलेनियस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे वॉवेल्स, सेलेबल्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिंगुलर एंड प्लुरल, पंक्चुएशन मार्क। वॉवेल्स हर कोई जानता है क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू वॉवेल्स। सेलेबल्स, सेलेबल्स एक प्रोनाउंसिएशन आस्पेक्ट है, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत छोटा है, इसको मैं अपने लेक्चर वीडियो में कंक्लूड करूँगा। सेलेबल्स बस आप ऐसे जान लीजिए कि जो भी चीज़ हम प्रोनाउंसिएट करते हैं उसी को काउंट करके, वॉवेल्स से काउंट करके उसमें रहता है। चलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जैसा कि आप सुन सकते हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहने से ही समझ में आ रहा है, सेंटेंस को करेक्ट करना, समझ गए आप। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जैसे कि कोई गलत क्वेश्चन, गलत सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके ऑप्शंस रहेंगे, आपको सेलेक्ट करना रहेगा वो सही का है, सही क्या है इसमें, तो इसको भी हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर वीडियो में। आगे है सिंगुलर एंड प्लुरल, आपको एक वर्ड दिया जाएगा उसका आपसे सिंगुलर या फिर आपसे प्लुरल पूछा जाएगा, एक वचन या बहुवचन, एक वचन बहुवचन, इसको भी हम अपने लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। इसका हम मिसलेनियस का एक पूरा लेक्चर वीडियो चलेगा, उसमें हम आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल बताएंगे, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताएंगे, और कैसे इसकी तैयारी करनी है सब हम बताएंगे। पंक्चुएशन मार्क, सबसे फनी टॉपिक पंक्चुएशन, फनी इसलिए क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको ये करने में, जब हम और आप मिलकर पढ़ेंगे इसको लेक्चर वीडियो में तो आप यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे कि फुल स्टॉप कहाँ लगाएं, फुल स्टॉप न लगाने से वर्ड्स कैसे चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पंक्चुएशन मार्क्स में पढ़ेंगे। तो ये था आपका इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस क्लास 9th के CHS एंट्रेंस के लिए, जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन में से इंग्लिश के, जो कि आपके मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं एक अलग लेक्चर के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए, BHU वर्ल्ड से जुड़े रहिए, धन्यवाद।